जो निचला तबका पढ़ता है ना, जब वो मुल्क तरक्की करता और पढ़ाई पे जो फोकस करा अरविंद केजरीवाल ने, उससे हम उसके फैन हो गए। हम गरीब तबके से आते हैं, हमारे बच्चे प्राइवेट में नहीं पढ़ सकते, उस आदमी ने हमारे यहाँ के स्कूल जो है प्राइवेट लेवल के बना दिए, तो मैं क्यों ना वोट दूं उसे। हिंदुस्तान में पहली बार किसी लीडर ने काम करा है और वो काम के नाम पे वोट मांग रहा है, और अगर आज वो हार गया तो हिंदुस्तान में कभी कोई काम नहीं करेगा, हर इलेक्शन हिंदू मुसलमान पे लड़ा जाएगा। अब एक चीज बता दो, अगर यही स्तर और इन दिनों को ही आंकड़ों में करना है तो इससे बेहतर तो अभी तो अरविंद केजरीवाल 538 बच्चे नीट और जेई क्वालिफाई किए सरकारी स्कूल के बच्चे, वो कहाँ से, उनके टीचर कहाँ से आ रहे हैं? ये चीज बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? बिहार में अगर इतना पढ़ाई हो रहा होता तो क्यों नहीं करते? अरे दस दसे को करवाना ले। मानता हूँ हमने धोखा खाया है, हमारे पीठ पीछे खंजर गोपा गया इस चीज के लिए। हमारे पीठ पीछे जो बीजेपी सरकार है, खट्टर सरकार है, राज्य सरकार, उन्होंने खंजर गोपा है किसानों के पीछे, युवाओं के पीछे, हमारी माता बहनों के पीछे, सबको धोखा दिया है जी। और इस बार हमारी कोशिश ये रहेगी कि ना हम सबको सबक सिखाएंगे। कैसे कैसे? अगर केजरीवाल सरकार हरियाणा में कदम रखती है तो मैं अपने पर्सनल तौर पर, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि धक्का करूंगा, अपनी तरफ से मैं पूरे परिवार का वोट केजरीवाल सरकार को पूरे जोर शोर के साथ, पूरे बोलते जोश के साथ देने जाऊंगा। अपने इंडिया के अंदर केजरीवाल सरकार ऐसी सरकार है जिसने जनता के ऊपर टैक्स के रूपए की प्राथमिकता दी है, ना कि खुद की फॉर्चूनर, खुद का फ्लाइट, खुद के बंगले सुधारने के लिए। तुम जो बोल रहे थे ना कि ये कमल इस बार खिलने वाले, कमल सिर्फ उनके घर के फूलदानी में खिलेगा, बाकी आएगा तो केजरीवाल आएगा और जाडू ही आएगा। मोदी जी का गढ़ है ये, मोदी जी यहाँ छक्का लगाएंगे, छक्का का गढ़ है। पर छक्का इस टाइम पे बीजेपी वालों को लगेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ऐसी बैटिंग करने वाले हैं कि बीजेपी वाला एक भी बॉलर या एक भी फील्डर नहीं दिखेगा गुजरात में, देख लेना। और इनकी जगह 6-8 महीने के बाद में जेल